पानी ही तो भरना है, इतना तो करने दे ही सकते हो। मिस्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि मेरी गर्लफ्रेंड से आप ये काम करवा सकते हैं। योर हाइनेस सू जिंगजिंग उतरी है, तुम जहां चाहे घूम सकती हो, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। मुझे लेके नहीं जा सकती? क्यों, मेरे बिना रह नहीं पाओगी क्या? क्या तुम सच में आना चाहती हो? पर ये बहुत बोरिंग होगा। हाँ, आ जाओ फिर। बस हम दोनों हैं? हाँ, शियत है को तो मैंने छुट्टी दे रखी है, वो बहुत खुश था। तुम्हें बताओ मैंने सही किया या नहीं? अरे आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर साहब, और आखिरकार आपसे मिल ही लिया। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मिस्टर गु, तुम बहुत ही कैपेबल हो, जैसा कि लोग कहते हैं। और ये ये मेरी मिस्टर जाओ। ए बाय, काफी टाइम बाद मिले हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि मिस्टर गु तुम्हें अपने साथ लाना कैसे भूल सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। चलिए बैठते हैं। बैठिए। क्या ये तुम्हारी नई असिस्टेंट है? क्या उसने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं करवाया? ये मिस्टर गु की बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? या क्या ये सही है मिस्टर गु? तुमने एक सुंदर लड़की को अपनी बॉडीगार्ड बना रखा है? मुझे डाउट है इसी बात का कि कौन किसे प्रोटेक्ट करता होगा। शायद मुझे भी ऐसी एक बॉडीगार्ड हायर कर लेनी चाहिए, आंखों की सिकाई हो जाएगी। बातें तो होती रहेंगी। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, यहाँ का हुआइयन कुजीन बहुत अच्छा है। अच्छा, मिस्टर गु की बॉडीगार्ड, क्या तुम हमें पानी दे सकती हो? ओके। वेट्रेस, पानी ले आओ। अरे रुको रुको, पानी ही तो भरना है, इतना तो करने दे ही सकते हो। मिस्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि मेरी गर्लफ्रेंड से आप ये काम करवा सकते हैं। अच्छा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मिस्टर झाओ, पानी काफी ज्यादा गर्म है। मैंने सुना है ठंडे पानी से अच्छी चाय बनती है, मैं नया पॉट लाती हूँ। गुरोंग, मिस्टर गु की गर्लफ्रेंड बहुत शर्मीली है, उन्हें ज्यादा परेशान मत कीजिए। मिस्टर जाओ, चिंता मत करो, मैं देख कर आती हूँ, आप मिस्टर जाओ के पास बैठो। आखिरकार तुम्हारी कंपनी में कोई स्मार्ट है? मेरी कंपनी के बच्चों जैसे नहीं, उनको कोई भी सीधी सी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए मुझे खुद तुमसे मिलने आना पड़ा यहाँ पे। ये बहुत बोरिंग है, मैं घर जा रही हूँ। नहीं, आईमी के पैर में चोट लगी है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मिलते हैं। जहां भी तुम होगी, तुम सिर्फ मिस्टर गु के लिए बातें बनवाओगी। कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें बिजनेस के बारे में नहीं पता, लेकिन जब तक तुम उसके साथ हो, लोगों का उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा, और उसकी अपनी समझ भी। क्या तुम उसे इसी तरह प्यार करती हो? हमारे प्रोजेक्ट के बगल में किंदा ग्रुप ने एक जमीन ली है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए, और ये बात आपको पता ही होगी, है ना? इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा,
हमें रुकना चाहिए, देखते हैं ये कैसे होता है। लेकिन मिस्टर शाह, मैं तो इसका उल्टा सोचता हूँ। मिस्टर गु, इस उम्र में तुम्हारे अंदर काफी जोश है, बिजनेस में कभी भी रेडिकल मत बनना। भले ही भाई ने तुम्हें ये बात न बताई हो, तुम्हारे ग्रैंडपा के पास होगा। मिस्टर साहब, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना। एक असली आदमी को बड़ी चीजों पर फोकस करना चाहिए। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को केवल पानी भरने के लिए कहा था, हाँ, इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया? अपनी नजरें बिजनेस पर टिकाओ, इन पर नहीं। तुमसे बड़ा हूं इसीलिए बता रहा हूं। एक आदमी जब अपने साथ एक औरत रखता है तो या तो वो बाई जैसी काबिल लड़की होती है या फिर एक सुंदर सा चेहरा होती है। तुम बाद वाले के बारे में इतनी परवाह क्यों करोगे? तुम दूसरा पा सकते हो जब पहला वाला टूट जाए। काम खत्म। इतनी जल्दी कैसे? वेंजेंग के साथ कोऑपरेशन ही खत्म। गुरोंग, क्या हुआ? मिस्टर जाओ कहाँ है? क्योंकि मिस बाई आप उन्हें इतने अच्छे से जानती हैं और आप बिना बताए आई हैं, तो उन्हें उनके टर्मिनेशन के बारे में आप ही बताइए। तुम मेरे साथ आओ। सच में उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दोगे मेरी वजह से? ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? और वैसे भी वो भरोसे लायक नहीं था। गलती मेरी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। नहीं, मैं सोच रही थी कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा कराया। अरे ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम तो सबसे परफेक्ट हो। मुझे पता है, लेकिन गुरोंग, तुम मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मुझे मेरी जगह खुद से ढूंढनी होगी। तुम बस मुझ पर भरोसा करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। भरोसा है, तुम्हें भी मुझ पे करना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। चलो घर चलो। तुमने वांशिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया? देर होने से पहले ही मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, वरना वो आगे चल के दिक्कत बन जाता। वो फाइनेंशियल गैप को क्या करें? तुमने इसका कुछ सोचा है? कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए एक नया बिजनेस पार्टनर ले आऊंगा। बिजनेस ट्रिप पे क्यों जा रहे हो? वो मिस्टर झाओ की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो तुम चिंता मत करो। मिस बाई कंपनी में काफी समय से काम कर रही हैं। क्या उसने ग्रैंडपा की बहुत मदद की है? हाँ, काफी समय से काम कर रही है, लेकिन कंपनी में सबसे ज्यादा काबिल नहीं है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। उसने क्या कहा तुमसे? देखो ऐसा है ना कि उसने सिर्फ मेरी काम में मदद की है और वो बस एक कलीग है और कुछ नहीं। मुझे पता है, इतना प्यारा लड़का गुरोंग मेरे पास, मेरे साथ है। लड़कियां तुम्हें पसंद क्यों नहीं करेगी? क्या तुम्हें जलन हो रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करती रहो। हाँ।